السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أبسابكو Personality Development Course کے session number 3 میں آج خوش عمدید میں عبد الرحمن حفیظ कि आपने आज की क्लास जॉइन की तो हमने गुज्त क्लास में ये पढ़ा था कि हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो या तो इम्पोर्टेंट होती हैं या अन इम्पोर्टेंट या नॉट इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ को हमने ऑर्गनइज करना होता है और नॉट इम्पोर्टेंट को हमने रिमूव करना होता है और इम्पोर्टेंट कौन सी होती हैं जो हमें हमारे मकसद के करीब कर दें और नॉट इम्पॉर्टेंट वो होती हैं जो हमें मकसद से दूर कर दें और इसकी डिटेल हमने इससे पहले वाले सेशन में पढ़ ली थी फिर हमने ये बोला था कि ये कैसे पता चलेगा कि हमारा मकसद क्या है जिसको देख कर हम देखें कि जो काम हम कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट या नॉट इम्पॉर्टेंट तो वो था हमारा मीनिंगफुल लाइफ यानी हमें ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी है जिसमें हमारा कोई कमाल नहीं अब उस ज़िंदगी को मीनिंगफुल बनाना है या मीनिंगलेस ये अल्लाह ताला ने हम पे छोड़ दिया है अगर हम विजन बनाएंगे प्रॉपर और उस विजन से के मुताबिक ही टाइम को मैनेज करेंगे और फिर जो भी काम करेंगे उसमें कॉम्पिटेंस पैदा करेंगे और फिर काम को अकेले करने के बजाय टीम वर्क करेंगे लीडरशिप उसमें आ जाएगी तो इसका मतलब है कि हमारा काम मीनिंगफुल होगा का। यानी फिर दुनिया हंसाना व फिर आखिरती हो जाएगा और अगर हम इस पूरे प्रोसेस को बाईपास कर देते हैं सुबह होती है शाम होती है जिंदगी यूँ ही तमाम होती है या आए थे जिस काम के लिए दुनिया में अमीर खाना ख़राब हमसे वही काम रह गया है? कोई पता नहीं कहाँ से आए थे किधर गए थे वो मैंने एक ट्रक के पीछे एक शेर पढ़ा था कि जिन्हें घर से निकलते ही मिल गई मंजिल किस तरह है वो शेर हाँ जिन्हें घर से निकलते ही मिल गए मंजिल और कोई मेरी तरह उम्र भर सफ़र में रहा मुझे असल में शेर याद ही नहीं होता याद हो जाए तो वो शेर ही नहीं रहता तो कहने का मतलब यह है कि कुछ कामयाब लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मीनिंगफुल लाइफ ये मंजिल जो है ना वो घर से मिल जाती है इदारों से मिल जाती है टीचर से मिल जाती है लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी भर सफ़र में रहते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि हम जा किधर रहे हैं जाना कहाँ था तो ये है इम्पॉटेंट काम और एक है नॉट इम्पोर्टेंट काम तो इंसान होने के नाते इंसान और जानवर में फ़र्क यही है कि जानवर खाता पीता सोता और ख्वाहिशात पूरी करता है और इंसान अगर सिर्फ इन्हीं चार चीज़ों तक महदूद रहे तो इसका मतलब है कि उलाई का कल अन बल हल ये जानवरों से भी बुरा है इसलिए कि जानवरों में अक्ल और दानश नहीं थी तो इसमें अक्ल और अक्लोदानश थी और इसने सिर्फ खाने पीने सोने और ख्वाहिशात तक अपनी ज़िंदगी को महदूद रखा तो असल में इंसानियत जो है वो इन चीज़ों से बालतर है और वो है दुनिया में आने का मकसद क्या है जिसकी बुनियाद पर आखरत में इंसान को कामयाबी मिलेगी तो इसके ऊपर हमने बात की थी कि हमें पहचानना चाहिए कि इंपॉर्टेंट क्या होता है और अर्जेंट क्या होता है अर्जेंट से मुतल हम पढ़ आए थे कि जिस काम का वक्त मुकर हो और वक्त मकर्र पे वो काम ना करने की सूरत में ज़िंदगी में वो काम दोबारा वैसे ना किया जा सके और इसकी ये हमने जो है वो डिटेल में बात कर ली थी आप इसमें प्रीवियस सेशन में या लास्ट सेशन में देख सकते हैं अहम क्या था अहम ये था कि हर वो काम अहम होता है जो आपको मकसद के करीब कर दे और इससे मतलब भी हमने बात कर ली थी सारी की तारी तफशील के साथ मैं जरा सा थोड़ा सा आपको तो रिवाइज़ कर दें अब हमने यहाँ पे आके बात की थी कि इम्पोर्टेंट वर्सेस अर्जेंट अगर आप देखें तो चार तरह के काम बनते हैं कुछ काम इम्पोर्टेंट अर्जेंट कुछ काम नॉट अर्जेंट इम्पोर्टेंट और कुछ काम अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट और कुछ काम नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट और इसको हमने बनाया था चल के टाइम क्वाड्रेंट सिस्टम और ये मुझे उम्मीद है कि आपने इसको थोड़ा सा अप्लाई करने की कोशिश भी की होगी अब तरीका कार्य होता है मसा आपने अगर अपनी ज़िंदगी में कोई एक क्यों निकालना हो किसी भी काम का तो तरीकाकार क्या होता है आप सबसे पहले अर्जेंट को सोचते हैं अर्जेंट फर्ज करें कि क्लास में बर वक्त पहुंचना अच्छा यहाँ पर पहले आप एक सवाल का जवाब दीजिए मैसेज पे फिर आगे चलते हैं आ, विजनरी लोग मीनिंगफुल लाइफ वाले जो लोग होते हैं वो लोग आ, क्यू वन के होते हैं या क्यू टू के थ्री के या फोर के क्यू वन के ना क्यू टू के ठीक है जबरदस्त ये हम पढ़ चुके हैं लेकिन आप मुझे एक थोड़ी सी बात बताइए आज जिन लोगों ने क्लास ऑन टाइम ज्वाइन की है ऑन टाइम वो क्यू वन में किया है या क्यू टू में किया है क्यू वन में जबरदस्त यानी ऑन टाइम क्लास में जो लोग आए ना जो क्लास का टाइम था उसी टाइम क्लास में आए और लेट नहीं हुए एक मिनट लेट नहीं हुए वो तो क्यू वन में थे ठीक है और उससे पहले जो लोग आए हैं वो किस में थे टू में ठीक है अच्छा अभी आप बोल रहे थे कि कामयाब लोग क्यू टू में होते हैं और जिन्होंने ऑन टाइम क्लास ज्वाइन किया है अब आप बताइए कि वो कामयाब है या ना नाकाम नहीं नहीं जिसने टाइम पे क्लास ज्वाइन किया उसकी बात कर रहे हैं नहीं आप देखे ना आपने पहले क्या बोला आप क्या बोल रहे हैं हमने ऊपर सवाल देखे मैंने क्या किया कि कामयाब लोग किस क्यू में होते आपने बोला टू में नाकाम लोग किसमें होते हैं वन में अब जो लोग ऑन टाइम क्लास में आ रहे हैं वो क्यों वन में है ना तो वो कामयाब है या नाकाम है क्यू वन कामयाब नहीं है ये किसने आपको बता दिया कामयाब लोगों का क्यू होता है टू क्यों बोला कामयाब लोग वो होते हैं जो इम्पोर्टेंट काम अर्जेंस नॉट अर्जेंट जोन में कर लेते हैं वो अर्जेंसी में नहीं काम करते जल्द में जल्दी में काम नहीं करते फर्ज करें कि अगर क्लास का टाइम है पाँच बजकर पैंतालीस मिनट कामयाब लोग पाँच मिनट पहले क्लास में होंगे क्यों टू जोन और नाकाम लोग कब होंगे पाँच बज के पैंतालीस मिनट अब आप बताइए पांच बजकर पैंतालीस मिनट के बाद जो लोग क्लास में आएंगे वो फिर क्या होंगे लिखिए बताइए देखें ये बिनते इस्लाम साहिबा ने सवाल किया है कि लेकिन आपने कहा है कि जो एडवांस में मौजूद थे एडवांस में जो मौजूद थे वो क्यू टू में थे ठीक वो क्यू टू में थे वो थे कामयाब जो पांच बज के पैंतालीस मिनट पे जब क्लास शुरू हुई है उस वक्त क्लास में नहीं उस वक्त क्लास में आए हैं ऑन टाइम वो क्या है नाकाम लोग क्यों बोला नाकाम है अर्जेंट इंपॉर्टेंट उन्होंने इंपॉर्टेंट काम अर्जेंसी में किया है तो कामयाब लोग इंपॉर्टेंट काम अर्जेंसी में नहीं करते वो क्या करते हैं काम अर्जेंट होने से पहले करते हैं लेकिन जो लोग टाइम पे भी नहीं थे क्लास में अब आप बताइए खुद अपने हिसाब से यहाँ को जुमले लिखे आप लोग ताकि आपको अंदाजा हो कि टाइम के ऊपर आने वाला बंदा नाकाम होता है तो टाइम के बाद आने वाले बंदे के बारे में आप क्या कहेंगे आप पंजाबी में बताएं उर्दू में बताएं अरबी में बताएं इंग्लिश में बताएं बताएं जरा लिखें यहाँ पे जल्दी करें टाइम कम है हमारे पास ठीक है केयरलेस नाकामी अच्छा यानी अब लिखने से भी अब कासे हैं इसलिए कि आपको पता है कि आज आपने क्या किया क्लास में यानी हमने यानी आज थर्ड सेशन है ना फर्स्ट टू सेशंस में कामयाब लोगों से मुतल हमने कितनी खुल के बात की है लेकिन बहुत अफसोस के साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज आ, कितना ज़्यादा हमें इस बात का अंदाजा हुआ कि कितना ज़्यादा हमें आ, अपने आप को बेहतर करने की ज़रूरत है क्या ख्याल है हाँ केयरलेस लापरफा ठीक है अब आइए आज इसको आप आज, आज इसको प्रूव करते हैं कि ये जो होते हैं कामयाब लोग और नाकाम लोग कहाँ होते हैं अब आप देखिए क्लास में वक्त पे पहुँचना ये कौन सा क्यों है सबसे पहले अर्जेंट देखते हैं सबसे पहले आपने अर्जेंट देखना होता है अर्जेंट नॉट अर्जेंट क्लास में बर वक्त पहुंचना ये क्या है नॉट अर्जेंट नॉट अर्जेंट सॉरी ये अर्जेंट है अर्जेंट है तो आपने नॉट अर्जेंट को क्रॉस कर दिया ये टू और फोर को आपने क्रॉस कर दिया अब रह गया हमारे पास वन और थ्री तो मैं पूछता हूं कि क्लास में बर वक्त पहुंचना इंपॉर्टेंट नॉट इंपॉर्टेंट आप कहेंगे इंपॉर्टेंट तो क्यों वन एक्टिविटी है ठीक है क्यों बन बर वक्त पहुंचना ये बात एक है बर वक्त पहुंचना एक है कि क्या बर वक्त पहुंचना यह कामयाब लोग होते हैं नाकाम थोड़ा सा आगे चल के मजीद आ पता चल जाएगा अब क्लास की तैयारी यहाँ देखिए तैयारी करना ये क्या होगा अर्जेंट नॉट अर्जेंट नॉट अर्जेंट तो हमने क्या कर दिया अर्जेंट को निकाल दिया अर्जेंट को खत्म कर दिया जो नहीं है उसको क्रॉस कर दे जो है उसको रहने दें तो क्लास की तैयारी जो है ना वो टाइम से पहले होती है तो हम कहते हैं कि अर्जेंट को कैंसिल कर दें अब पहले आप पास चार क्यूज थे ना अब आप दो हो गए अब आप देखिए क्लास की तैयारी नॉट इम्पोर्टेंट तो हम कहते हैं इंपॉर्टेंट द तो क्यू टू एक्टिविटी क्लास की तैयारी क्लास लेना क्लास में आना क्लास के लिए पहुंचना ये क्यू टू एक्टिविटी होती है ये कामयाबी होती है मिसलाम से अल्लाह ने पूछा कि हमा आज कामी का या मूसा ऐ मूसा जो हमने आपको वक्त दिया था आपकी अपनी कौम को लेकर आइएगा आपकी कौम से पहले आप कैसे आ गए तो उन्होंने पता क्या फरमायाज़ किया अल्लाह ताला से हमें आज तो इले ही का रब बीरी तरब ए मेरे रब में जल्दी आ गया ताकि आप खुश हों यानी अम्बिया और रसुल भी ऑन टाइम पहुँचने से पहले पहुँचते थे टाइम से पहले पहुँचते थे अल्लाह ताला की रजा इसमें हासिल होती है इससे पता चलता है कि आप अपने मकसद अपने विजन अपने इम्प्रूवमेंट में कितने सेंसेर हैं जो बंदा टाइम पे है ही नहीं है टीचर बैठा इंतजार कर रहा है, इसका मतलब यह है कि आप नॉट इंटरेस्टेड आप मीनिंगफुल लाइफ का कॉन्सेप्ट ही नहीं आपके, और ये अलमिया पूरे पाकिस्तान का और हमारा एजुकेशन सिस्टम टोटली फ्लॉप हो चुका है इस वजह से कि पेपर के दिनों में अर्जेंसी में जाके क्यू वन में तैयारी है आप स्कूल पहुंचते क्यू वन में हैं आप आ, क्या करते हैं बिल क्यू वन में जमा करवाते हैं आप अपने आ, ग्रोसरी क्यू वन में करते हैं आप रमज़ान की तैयारी क्यू वन में करते हैं आप ईद की शॉपिंग की वो क्यू वन में करते हैं हर चीज़ क्यू वन में डाल के तबाह कर दिया है मुल्क को मुल्क कैसे तबाह होते हैं जब आप ख़ुद तबाह होते हैं जब कि उसूल क्या है टाइम से पहले और वो हदीफ भी इस बात की दलील है कि आप सलाम ने फरमाया था कि ईदा उकीमत सलाह जब नमाज की इकामत हो जाए और आप आ रहे हों तो जल्दी ना करो भागो नहीं भागना क्या है क्यों बन क्यों ना भागो इसलिए कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं संजीदा और बावकार लोग होते हैं वो जल्दी में तो काम नहीं करते वो स्लोली एंड ग्रेजुअली करते हैं स्लोली का मतलब सुस्ती नहीं बल्कि ग्रेजुअली पूरे डिसिप्लिन के साथ तो आपने क्या फरमाया जब पहली बात है कि तुम्हें लेट नहीं होना चाहिए नमाज से पंद्रह मिनट पहले अजान होती है तो आप क्या करें उठें काम छोड़ें आ, सुन्नतें पढ़ें ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं नमाज के लिए फ़र्ज़ नमाज से पहले सुन्नतें इसलिए रखें ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं नमाज के लिए पूरे सुकून के साथ और ताकि आप ना किसी अर्जेंसी में पढ़ अपने आप को डिस्टर्ब ना करें अब देखें ना आप नमाज के लिए पंद्रह मिनट पहले उठ के वजू करके सुन्नते पढ़ के जाएंगे या नमाज अदा करेंगे तो सुकून से पढ़ेंगे लेकिन आपने उस वक्त नमाज के लिए उठे जब अकामत हो गई तो अब पहले एक चिल्लु पना किया कि बैठे रहे सुस्ती काली में या क्यू थ्री और क्यू फोर में लगे रहे नॉट इम्पॉर्टेंट थिंग्स में अब अकामत हो गई है तो अब इससे बड़ा चिल्लुपना ना करो कि भाग के आओ बाकी आओगे तो क्या होगा सांस पूरी होगी और सोच जो है ना वो दाएं बाएं होगी बस आप नमाज खत्म करने के चक्कर में होंगे सुकून से आओ ना फिर आपने क्या फरमाया जो पा लो वो पढ़ लो जो रह जाए वो अदा कर लो देखिए ना इस्लाम में ये है इस्लाम में ये नहीं है कहीं भी कि आप कामों को सर पे डाल दें और तब कहें जी कि मैंने में, में, मैंने कर लिया और आप आज देख लें गैर मुस्लिमों को वो इन तलीमत में इस्लाम के ऊपर अमल पैरा है सारे काम टाइम से पहले किए गए होते हैं और हम मुसलमान जो अल्लाह रसूल का मोहब्बत का दावा करते हैं यकीन करें ज़ुबानी दावत दावा है अमली तौर पे हम झूठ बोल रहे हैं हम कोई काम टाइम पे नहीं करते हाँ इससे बेहतर पता है क्या होता है जो बंदा क्यों वन में काम नहीं करता टू में काम नहीं करता ना इससे बेहतर पता है क्या होता है आप मजरत कर लें मैं नहीं कर सकता काम खराब करने से बेहतर होता है बंदा मज़रत कर जिम्मेदारी उठाने से बेहतर होता है कि आप जिम्मेदारी उठाएं ना आपके ऊपर इल्जाम तो ना लगे ना सुस्ती का का और आगे मजीद देखें रिस्पॉन्ड स्लाइड को उठाने के ऊपर हाँ कहाँ गई स्लाइड हाँ पेरेंटल रिक्वेस्ट यानी वालदे ने आपको पुकारा और आप उनकी पुकार पे आएंगे या नहीं ये क्या है तो हम कहते हैं अर्जेंट नॉट अर्जेंट तो अर्जेंट है ना तो नॉट अर्जेंट को आप क्रॉस कर देंगे वाल्डेन ने बुलाया तो आपको अब अर्जेंट है आना है और इम्पोर्टेंट यस इम्पोर्टेंट तो ये क्यों बंद हो जाएगा ऐसा काम यानी यहाँ हम क्या कहते हैं वालदेन को जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको बुलाएं बल्कि उनके बुलाने से पहले क्यू टू में आप उसकी खिद, उनकी खिदमत कर लें जैसे ये है सर्विंग पेरेंट्स अर्जेंट नॉट अर्जेंट नॉट अर्जेंट तो अर्जेंट तो हमने क्रॉस कर दिया नॉट अर्जेंट है तो इम्पोर्टेंट नॉट इम्पोर्टेंट इम्पॉर्टेंट तो क्यू वन यानी वालदेन की खिदमत क्यू टू है और वालदेन की खिदमत में अगर इंसान थोड़ा बहुत किसी अपने काम काज में लगा हो तो वालदेन आवाज़ दे, दे दें तो फिर आपके पास टाइम ही नहीं है उसको डिले करने का फिर वन में चला जाएगा अब आगे मजीद देखें एक चीज और ईटिंग हेल्थी फूड यानी सेहतमंद खाना तनाबुल करना अर्जेंट नॉट अर्जेंट चले मैं आपसे पूछता हूँ आप बताइए अर्जेंट नॉट अर्जेंट जबरदस्त आपने बोला नॉट अर्जेंट ये और ये नॉट अर्जेंट है ठीक है जो ईटिंग हेल्दी फूड ना नॉट अर्जेंट क्योंकि अगर आप अर्जेंट करेंगे अर्जेंट वो होता है जो बाद में ना किया जा सके और ईटिंग हेल्दी फूड यानी ये हेल्दी लाइफ के लिए आपको हेल्दी uh, डाइट लेनी है तो ये नॉट अर्जेंट हम क्या करेंगे अर्जेंट को क्रॉस कर देंगे अब इंपॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट सबको पता है कि इंपॉर्टेंट तो ये हो जाएगा क्यूटू एक्टिविटी ठीक है अब आ जाते हैं पर्सनल इंप्रोवमेंट या डेवलपमेंट डिवेलपमेंटी असलाह अब आप बताइए जतीि असलाह पर्सनल इंप्रोवमेंट अब आप बताइए कि इम्पोर्ट अर्जेंट नॉट अर्जेंट एक जवाब आया नॉट अर्जेंट आगे कोई और बताए बिनते इस्लाम अर्जेंट आप बताइए क्यों अर्जेंट वजह बताइए यहाँ पे माइक ओपन करते हैं ओपन है बल्कि आप में से कोई बता सकते हैं आप तीनों ने लिखा है बिनते इस्लाम उसामा खान मोहम्मद आबिद और तस्कीन आप सब लिखते हैं अर्जेंट बताएं क्यों अर्जेंट अर्जेंट काम की डेफिनेशन आप में से कौन बताएगा जी सलाम करने की जरूरत नहीं होती सीधा सीधे बात करें जो कि सलाम होता है मजलिस के शुरू में अब मजलिस शादी हो चुकी है जी जी ठीक है इसमें यह है कि अगर आप वक्त पे नहीं करेंगे तो आपके अंदर बिगाड़ पैदा हो जाएगा ठीक है लेकिन ये करना। हमने तो ये तारीफ की ही नहीं था था। भी अगर आप सुनिए देखें पहले तस्कीन बहन बात कर रही हैं तो कोई और ना बात करें आपने बोला कि अगर हम अपनी इस्लानी करेंगे तो बाद में बिगाड़ पैदा होगा हमने तो ये तारीफ की ही नहीं अर्जेंट की हमने बोला आप के हमने बोला कि आप अर्जेंट की डेफिनेशन के मुताबिक बताइए अर्जेंट नॉट अर्जेंट अर्जेंट बताइए क्या है डेफिनेशन बताइए जी अर्जेंट आपने यही बताया कि टाइम टाइम कंस्टेंट उसमें होता है कि टाइम के लिहाज से आपको करना होता है ना नहीं आपको याद नहीं है आप बताइए कोई और बता सकता है सर अर्जेंट वो है कि जिसको दोबारा करने का चांस नहीं मिलेगा हाँ वो उसे बताइए किया जाएगा ठीक है जबरदस्त जिसको बाद में करने का अगर जिंदगी मिल जाए तो उस तरह दोबारा मौका नहीं मिलता अब आप बताइए क्या-क्या पर्सनल डेवलपमेंट का इंसान को जिंदगी है तो चांस मिलता है सर जिंदगी तो हमें नहीं पता कि अगला नहीं, नहीं नहीं हमने आएगा बोला ना देखिए उसमें लिखा हुआ है हमें उस वक्त अपनी اصلاح करनी है नहीं नहीं देखें इसका मतलब है कि आपने लास्ट सेशन को अंडरस्टैंड नहीं किया हमने वहां लिखा कि अगर आपकी जिंदगी है आपके पास चांस है आप उसको दोबारा कर सकते हैं तो नॉट अर्जेंट अगर आपको आप उसको जिंदगी है और नहीं कर सकते इसका मतलब अर्जेंट अब आप बताइए कि अगर आपको पर्सनल डेवलपमेंट अगर आप जिंदा हैं मसन अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम बैठे हुए हैं, क्या कल अल्लाह ताला अगर आपको जिंदगी दे दे आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं यस नो

इसको नॉट अर्जेंट है, है ना यानी के आप फर्ज करें कि आपको कल जिंदगी मौजूद है हम ये नहीं कह रहे कि आज के काम को कल डिले करें लेकिन हम कहते हैं आपने कर दिया ना डिले डिले हो गया अब हो गया डिले किसी वजह से हो गया लेकिन क्या आप कल जिंदा हैं तो अपनी तरबियत कर सकते हैं या नहीं कर सकते हाँ तो फिर नॉट अर्जेंट है ना जी सर नॉट अर्जेंट है आप ठीक है अब इसको डिले करना है नहीं करना नहीं कर। जी वासे? अच्छा दूसरी जी एक बात और देखें देखे मुझे अब आगे जाने के बजाय वापस पीछे जाना पड़ रहा है जबकि यूनिवर्सिटी ने मुझे ये कहा था कि ये लास्ट सेशन होगा इस टाइम मैनेजमेंट पे लेकिन लास्ट सेशन कैसे होगा यानी वो तो याद ही नहीं है आप सबको और आज प्रैक्टिकली पता चल गया कि आप लोग टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरत है ठीक करने की अब आप देख लीजिए ना हम क्या कर रहे हैं जती इस को हम क्यू में लाना चाहते हैं ताकि आपको पता चले कि किस क्यू में जाति इस्लाह की जाती है तो जाति इस्लाह कैसे कि किस क्यू में करनी चाहिए हम कहते हैं कि ये नॉट अर्जेंट है यानी आपको अपने आप को खराब होने से पहले ठीक करना है मैं तो आपको यहां लाना चाहता हूं आप कहते हैं कि मैं कल नहीं रिस्क लेना चाहते हम कहते हैं आज आज भी अपने आप को रिस्क ना डालें आप अपनी इसलाह अपनी खराबी से पहले करें तो इंपॉर्टेंट तो ये है ही है अब देखिए आप लोगों का माइंड सेट हमारा माशरती माइंड सेट है और हमारा मुआरा जिस डेफिनेशन और अंडरस्टैंडिंग पे चल रहा है ना ये टोटली फेलियर माशरा है वो क्या है अर्जेंट वो होता है जिसको करना जरूरी होता है जिसको छोड़ने से नुकसान होता है जो पता नहीं क्या बाद में नहीं कर सकते ये कुछ कहीं भी नहीं है आप किसी डिक्शनरी में मुझे ये डेफिनेशन निकाल के दिखाएं इस्लाम से निकाल के दिखाएं मॉडर्न साइंस से निकाल के दिखाएं कहीं भी नहीं हम आपको ये पढ़ाना चाहते हैं कि नॉट अर्जेंट नॉट अर्जेंट मतलब क्या डिले करें नहीं नहीं अर्जेंट होने से पहले करें यानी बीमार होने से पहले आप अपनी अपना ख्याल रखें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर आप बीमार होने के बाद दवाइयां खाने से बेहतर हैं पहले अपने आप की केयर करें आप कल किसी मुसीबत में फंसने से पहले आज अपने आप को तैयार करें कि कल मैं किसी मुसीबत में ना फंसूं। हम तो आपको यहां लाना चाहते हैं और आप कहते हैं मैं कल का रिस्क लेना चाहते हैं। इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिस अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों जी सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं हाँ हो गई बात अब हम देखें ना हम ये कह रहे हैं कि क्या जाति इसला अर्जेंट आट अर्जेंट आप लोग कहते हैं अर्जेंट भाई अर्जेंट का मतलब है कि आप टाइम पे काम नहीं करना चाहते अर्जेंट वो बंदा वो काम होता है जो ऑन टाइम जाके करना होता है और उसके बाद वो काम नहीं हो सकता हम कहते हैं कि टाइम से पहले काम करें नॉट अर्जेंट नॉट अर्जेंट जोन के अंदर तो इसलिए हम कहते हैं कि पर्सनल इंप्रूवमेंट अर्जेंट नहीं है नॉट अर्जेंट है इसलिए अर्जेंट को करें क्रॉस अब आ जाए यहाँ पे इंपॉर्टेंट के ऊपर तो ये क्यू टू एक्टिविटी है ये मतलब है इसका अब आ जाइए यह, प्लानर यहाँ पर भी आप थोड़ा सा इसको मजीद देख लें देखें हम आपसे जो सवाल पूछते ताकि आप जवाब दें कहीं गलती आप में से आ जाती है तो गलती आना यह फ़ायदेमंद होता है कि आप क्लास में गलती करें ताकि यहाँ असलाह हो जाए ऐसा ना हो कि आप माशरे में जाके असलाह करें मसला आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ आज से कुछ साल पहले टाइम मैंने टाइम मैनेजमेंट इस्लामाबाद में करवाई काफ़ी बड़े बड़े लोग थे उसमें आज़ाद कश्मीर से एक एन जी ओ के बड़े आदमी उसमें शरीक हुए अच्छा वो जब चले गए ट्रेनिंग लेने के बाद दो तीन महीने के बाद हमारी ट्रेनिंग आई तो मैंने वहाँ कश्मीर के एक दो लोगों को और दावत दी उन्होंने पता मुझे क्या कहा उन्होंने कहा हम आपकी ट्रेनिंग में नहीं आना चाहते मैंने कहा खरीत क्या हुआ हमारी असलाह कर दें कहने लगे वो साहब जो आपकी ट्रेनिंग लेकर आए थे हमने तो उनके जिंदगी में को तो कोई तो तब्दीली नहीं देखी मैंने कहा देखें आज कल के मुसलमानों को क्या आप देखते हैं इस्लाम के ऊपर अमल प्यारा है कहने लगे नहीं मैंने कहा आप इस चीज को देख क्या ये कहेंगे इस्लाम ठीक नहीं है बाद में मेरी एक दफा उनसे बातचीत हुई जो ट्रेनिंग करके गए थे तो मुझे अंदाजा हुआ उनको तो पता ही नहीं चला टाइम मैनेजमेंट होती क्या है पता ही नहीं चला टाइम मैनेजमेंट क्या होता वो कामों को टाइमली करने के ऊपर बात समझ ही नहीं पाए अच्छा अब प्लेनर, आप बताइए प्लानर आप मसलन कोई काम करना चाहते हैं उसकी प्लानिंग करते हैं कोई सब्जेक्ट किसी स्कूल में पढ़ाते हैं उसकी प्लानिंग करते हैं आप फर्ज़ करें कि आप अपनी सेहत बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए प्लानिंग करते हैं आप घर के निज़ाम को बेहतर करने के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं अब आप बताइए अर्जेंट नॉट अर्जेंट एक जवाब आया नॉट अर्जेंट मजीद बताए नाट अर्जेंट ज़बरदस्त कोई और बताए बाकी खामोश हैं देखें यहाँ खुवात की खामोशी यहाँ नहीं है यहां बोल के बताएं या लिख के बताएं देखिये थोड़ा एक्टिव हो ना नॉट अर्जेंट ठीक है अब देखिए अब अब आप बताइए कोई एक लिख के या बोल के बताए क्यों नॉट अर्जेंट है ये क्यों नॉट अर्जेंट है

अब तो देखिए कि सोशल मीडिया व्हाट्सएप चैनल व्हाट्सएप और सोशल मीडिया ये जो नोटिफिकेशन आते रहते हैं ये अर्जेंट आट अर्जेंट तो ये अर्जेंट है क्योंकि आ रहे होते हैं ना आ रहे होते हैं और ये क्यू थ्री में चले जाएंगे अब आ जाइए यहाँ पे टाइम क्वार्टर को आपके सामने बन गया यानी यह आपको चंद एक मिसालें जो बताई हैं इसका मतलब ये था कि आपको अंदाजा हो जाए काम किस क्यू में करना होता है किस वक्त करना होता है काम अच्छा यहाँ एक सवाल और ताकि मजीद थोड़ी सी वजात हो जाए उसके बाद एक, एक नया शुरू हो रहा है अब आप बताइए कि क्या काम करना बेहतर होता है या बेहतर काम करना बेहतर होता, होता है हाँ बेहतर काम करना बेहतर होता है ना काम करना बेहतर नहीं होता जैसे आपने कहा था या तो क्लास लो या बिल्कुल ही ना लो हाँ टाइम पे लो जी हाँ टाइम पे ले यानी बंदा जो है वो काम करे तो फिर अच्छे तरीके से करे ना काम देखें हमने जो शुरू में बात की थी हमारी एक्टिविटीज होती हैं मुनजम गैर मुनम तो मुनम काम का मतलब होता है वक्त पे और अगर वक्त पे वो काम नहीं करें तो फिर क्या होगा गैर मुनजम अनइम्पोर्टेंट ठीक है अन इम्पॉर्टेंट काम आप इम्पॉर्टेंट काम अन इम्पॉर्टेंट तरीके से करेंगे तो वो भी अन इम्पॉर्टेंट काम हुआ ना वो हमें अपने मकसद के करीब नहीं करेगा बल्कि दूर करेगा वाजह होगी फिर हमें वो दूर करेगा लिहाजा हम ये कहते हैं कि आप जो है ना इसके मुताबिक जब तक आप तरतीब नहीं बनाते ना तब तक चलता नहीं काम अब आइए एक खास चीज की तरफ वो वही मिसालें हैं सारी की सारी अब बस सोना हमने बोला था अर्जेंट नॉट नॉट अर्जेंट इम्पॉर्टेंट तो अब ये क्यू वन बन तो क्यू टू बन जाएगा इस तरह दुरानी क्लास मोबाइल का इस्तेमाल क्यू थ्री बनेगा बातचीत गपशप क्यू फोर बन जाएगा सेहतमंद खाना तनावुल करना है तो ये क्यू टू बनेगा बग़ैर इतना दोस्त हम आप आ जाते हैं ये अर्जेंट तो होता है लेकिन नॉट इम्पोर्टेंट बस अवका इंपॉर्टेंट होता है कोई ऐसा दोस्त आपके पास आ गया जिसकी वजह से आपको फ़ायदा हुआ भले अर्जेंट आ गया तो इसको हम क्या कहेंगे गए थ्री और टू दोनों बनेगा अपने इस्बाक और क्लासेज की तैयारी ये बन जाएगा क्यू टू बच्चों की तरबियत आपके जी क्यू टू है सोशल मीडिया और समाजी रबते वगैरह ये क्या है टू भी है थ्री भी है थ्री तब है जब नॉट इम्पॉर्टेंट कामों में लगे हों सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए टू तब है जब आप सोशल मीडिया को एक किसी अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ठीक है अब आ जाते हैं इस टाइम कोर्ड सिस्टम के दूसरे हिस्से पर इसके दो हिस्से हैं पहला हिस्सा है अंडरस्टैंडिंग दूसरा है हैंडलिंग हाउ टू हैंडल योर क्यू वन टू थ्री फोर नंबर वन क्या है अंडरस्टैंडिंग अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो अंडरस्टैंडिंग थी तो छोटा सा अंडरस्टैंडिंग का टेस्ट ले लेते हैं यहां आप लिखें कौन बताएगा क्यू वन क्या होता है क्यू वन इंपॉर्टेंट अर्जेंट क्यू टू इम्पोर्टेंट <coughs> हाँ, और नॉट अर्जेंट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट थ्री सर नॉट इम्पोर्टेंट और अर्जेंट हाँ नॉट इम्पोर्टेंट अर्जेंट जबरदस्त और फोर सर नॉट इम्पोर्टेंट और नॉट अर्जेंट ठीक है जबरदस्त इसका मतलब है कि तकरीबन सबको याद है अब आ जाइए हैंडलिंग हैंडलिंग क्या है? हैंडलिंग मतलब क्या होगा आपके सामने एक Q1 आ गया एक Q2 आ गया एक Q3 या Q4 आ गया तो आपका रिएक्शन और आपका तरीकाकार क्या होगा देखिए जरा आप Q1 को समझते हैं ना इंपॉर्टेंट अर्जेंट अब ये काम इंपॉर्टेंट है यानी हमारे अपने मकसद के करीब करता है और क्या है अर्जेंट है अर्जेंट इंपॉर्टेंट काम जब अर्जेंट है इसका मतलब है कि इसको डिले नहीं कर सकते बाद में नहीं हो सकेगा लेकिन इंपॉर्टेंट है करना भी है इसके बारे में छोटा सा एक जवाब है वो है जस्ट डू इट फौरन कीजिए फौरन कीजिए फौरन कीजिए फौरन क्यों इसलिए कि अर्जेंट है करें क्यों इसलिए कि इंपॉर्टेंट है जैसे अजान हो गई तो नमाज वालदेन ने आवाज़ दी चलो फौरन बात सुनो आ, कोई परेशानी आ गई हादसा आ गया तो फौरन पहुंचो मेडिसिन का टाइम है तो ले लो शहरी बंद हो रही है फौरन बंद करो गुरूब आफ्ताब हो गया फौरन से अफ्तारी करो तो ये हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ें रहती हैं यानी अगर क्यू वन सिचुएशन आ जाए तो आप उसको डिले नहीं कर सकते लेकिन क्यूबन में अपने आप को डालना नहीं चाहिए ठीक है लेकिन इंसान क्यूबन में आता है किसी ना किसी वजह से आगे चल के थोड़ी सी बात वाजी हो जाएगी हम कहते है, फौरन हैं फौरन करें आप इसको आप डिले नहीं कर सकते लेकिन एक मसला छोटा सा आ जाता है बसा अवत क्यू वन वर्सिज क्यू टू आ जाता है यानी आपके सामने दो काम आ गए एक वन है एक टू है ठीक है या सॉरी यहां पर आप देख ले क्यू वन Q1, क्यू वन यानी एक क्यू वन दो क्यू वन दोनों आपकी तरफ आ गए फर्ज करें आप नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे क्यू वन लेकिन आपके वालदे ने आपको आवाज़ दे दी वो भी क्यू वन अब आप क्या करेंगे बताएं क्या करेंगे आप ठीक है जबरदस्त वालदेन की बात सुनेंगे आप इसको ना यूँ कह सकते हैं जब Q1 वन Q1 क्यू आ जाए तो दो तरीके होते हैं एक तरीका ये होता है कि आप इन दोनों में से एक Q1 खुद करें और दूसरा Q1 किसी को डेलीगेट कर दें मसलन वालदेन ने आपको आवाज दी ये वालदेन वाली बात बात में रहते हैं असन आप क्लास में जा रहे थे तो आपको आ, किसी दोस्त की कॉल आ गई और वो दोस्त अहम भी है आपके काम का है और उधर से आपको क्लास में भी जाना है अब आप क्या करें कि अपने दोस्त को डेलीगेट कर दे अपने किसी कोलीग के या अपने घर में किसी को या जहां आप काम करते हैं वहां पर कि आप इसको आ, करें अटेंड करें तो मैं क्लास लेके आ जाऊँ एक तरीका होता है डेलीगेट का डेलीगेट कर यानी आप वो वाला क्यूबन जो कम नुकसानदेह हो जिसको डेलीगेट करने से नुकसान ना हो तो आप वो वो कर सकते हैं या फिर ये हो सकता है कि आप एक क्यूबन छोड़ दें क्यूबन छोड़ दें मसलन अजान नमाज का टाइम वालदे की आवाज तो अब आप क्या करें कि एक क्यूबन नमाज है उसको आप छोड़ें वालदेन की बात सुने और उसके बाद नमाज पढ़े या इस्लामी तालीमत में दो अच्छी मिसालें और भी हैं और आज इसको गोरे भी ऐसे ही करते हैं सलाम ने फरमाया कि ला सला तब हदरतीम खाने की मौजूदगी में नमाज़ नहीं है यानी नमाज की इकामत हो गई इधर खाना रखा हुआ है ठीक है अब खाना खाएं या जमात में खड़े जमात के अजान हो चुकी क्यूबन खाना आपके सामने आ चुका क्यूबन अभी रोजाना तो नहीं आता लेकिन बसन ऐसा कोई चांस बन गया तो आप रिस्तर ने फरमाया कि तुम क्या करो पहले खाना खाओ क्योंकि अगर तुम खाना मौजूद छोड़कर नमाज की तरफ गए तो आपकी सारी तोज्जो होगी खाने की तरफ और नमाज में असल खुशबू होता है वह आपका रह जाएगा वो आपका रह जाएगा तो आप क्या करें आप पहले आराम से खाना खा लें खाना तसली से खाएं और तसली से जाके नमाज इसका मतलब है क्यूबन वर्सिस अगर आ जाए तो आपको हल्का क्यूबन ले लेना चाहिए बड़ा क्यूबन जिसको छोड़ने का नुकसान कम हो उसको छोड़ देना चाहिए यह भी हो सकता है यहाँ पे ना इस्लामी यूनिवर्सिटी में मैं जब पढ़ता था पी में तो हमारे उसद मोहतरम डॉक्टर फजल अलही साहब थे तो वो एक पाकिस्तान के बहुत बड़े आदमी बहुत बड़े आलिम इस यूनिवर्सिटी में उनसे मिलने आए तो अब उन्होंने पैगाम भेजा क्लास में डॉक्टर साहब को कि मैं आया हूँ तो मुलाकात करना चाहता हूँ तो डॉक्टर साहब क्लास ले रहे थे तो डॉक्टर साहब ने मुझे भेजा कि उनको कमरे में बिठाएं और वहाँ पी एन को कह दें कि इनको चाय पिला दें तो मैं क्लास के बाद आता हूँ अब उन्होंने क्या किया क्लास क्यू वन मेहमान क्यू वन उन्होंने मेहमान को डेलीगेट कर दिया अपने पी की तरफ पी एन से कह दिया कि आपने उनको चाय वाय पिलानी है इन, इनको आपने अटेंड करना है तब तक मैं क्लास से फ्री होकर आ जाता हूँ अब उनके नजदीक क्लास अहम थी ना अब थोड़ा सा आगे चल के हमें पता चल जाएगा कि ऐसे मेहमान जो आपके क्यू में आके क्यू बन जाते हैं उनके साथ करना क्या है ताकि ये वाला मामला आए ही ना ठीक है क्या है ये सवाल कि अगर कोई सुन्ना को जानता है तो वो सुन्ना पे अमल करे क्या ऐसा करते क्या मतलब हम तो सुन्नत की बात ही कर रहे हैं ना आप बोल के बताएं आप... मेरा कहने का मकसद ये है कि जैसे आप सर सर का फरमाना है कि पहले खाना खा लें और फिर नमाज पढ़ें तो अगर हम ये बात को जानते हैं हमारे इल्म में तो हम उसके मुताबिक अमल कर सकते हैं में क्या कि आप, आप नमाज खाना और खाना और तो हाँ। पढ़ो अगर हम ऐसी बातों को जानते हैं कि आप की जिंदगी से मुतालिक, कि ये काम हो चुका है पहले तो हम उसपे अमल कर सकते हैं हाँ ना तो पहले आप खाना खाएं ये तो हो चुका है ना पहले जी आप, जी सर आप पहले खाना खाएं फिर नमाज पढ़ो जी सर हाँ कुछ और मामला भी हो सकते हैं तो उसमें जैसे कि के के मेरी माँ पुकारे तो मैं नमाज छोड़ के भी माँ की बात पहले सुनूंगा देखें अगर आप नमाज पढ़ रहे वाले पुकारा तो वाले नमाज पहले पूरी करनी पड़ेगी अगर आप नफल नमाज पढ़ रहे हैं वालदेन अगर आपको पुकारे तो फिर नफल नमाज तोड़ सकते हैं आप बल्कि तोड़नी चाहिए ठीक है अब इस चीज़ को आप देखें क्यू वन वर्सेस क्यू ठीक है अब आ जाते हैं यहां पर इस मिसाल को चलो आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं कि Q1 के बाद Q2। अब Q1 को हैंडल करने का तरीका कार किया था कि जस्ट डू इट फौरन आप करें क्योंकि करें इसलिए कि वो इंपॉर्टेंट है फौरन इसलिए कि वो अर्जेंट है अब आ जाते हैं Q2 की जाने भी. तो इसका जवाब है कि फोकस ऑन इट यानी क्यू टू एक्टिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती हैं आप इसको डिले ना करें बल्कि आप इसके ऊपर फोकस्ड हो जाए हमारे यहाँ क्यू को इसलिए इग्नोर किया जाता है कि वो अर्जेंट नहीं है ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हम नॉट अर्जेंट कामों को ना डिले करते हैं तो डिले करने से वो कहाँ जाएंगे कौन बताएगा वन में फोर में जाएगा आसान भाई फोर मैन जाएगा वन में जाएगा देखें ना इंपॉर्टेंट है ना दोनों इंपॉर्टेंट वन और टू दोनों इंपॉर्टेंट है आपने क्यू फोर टू को इग्नोर किया यानी अर्जेंट नॉट अर्जेंट को इग्नोर किया तो वो अर्जेंट बन गया ना वो वन में चला गया वो वन में चला गया और वन जो है वो नाकाम लोगों का तो क्यूँ है नाकाम क्यों है आगे थोड़ा सा देखें चल के हम क्या कहते हैं आप इसको क्या करें आप इस पर फोकस हो यानी तोज्जो दे इसपे ऊपर यानी आप इसको उर्दू में अगर देखें तो क्या होगा शुरू करें फर्म तो क्या शुरू करें आप शुरू करें लेकिन इसमें यह देखना पड़ेगा कि कब शुरू करें कितना काम शुरू करें उसके बारे में आगे चल के बात आ रही है चूंकि ये नॉट अर्जेंट है तो इसका कोई ना कोई फ्रेमवर्क बना हुआ होगा अच्छा अगर आपने ये देखना हो कि आप कामयाब शख्स हैं या नाकाम अगर आपने ये देखना हो कि आप कामयाब शख्स हैं या नाकाम उसका दारो मदार आपके टू पे है कैसे आपकी कामयाबी का दारो मदार इस बात पे है कि आपके यौमिया कामों में से कितने काम क्यू टू में होते हैं वही बात मैं आपसे दोबारा अर्ज करूंगा और ये बात बताने का मकसद ना सिर्फ ये है कि हमारी असलाह हो आज की इस क्लास से पता चला यानी क्लास अटेंड करने से पता चला कि ज़्यादा लोग अभी तक नाकामी की जिंदगी गुजार क्योंकि तो उन्होंने क्यू वन में क्लास बल्कि क्यू वन से भी बाद में क्लास ज्वाइन की वो लोग जिन्होंने टाइम से पहले क्लास ज्वाइन किया वो लोग हैं कामयाब बस ये आप देख लें अपना एनालिसिस कर करके कर आप देख लें कि आप किस काम कामयाबी में जा रहे हैं नाकामी में यहां पर आप एक बात बताइए एक आदमी जिंदगी गुजार रहा हो क्यू वन में तो अब आप बताइए वो नाकामी की जिंदगी गुजार रहा है या कामयाबी की लिखिए एक दफा फिर या आपको सबक याद करवाना है असल में नाकामी की ठीक है अब आप ये बताइए वो अपने आप को Q1 के बजाय Q2 में लाने Q2 में लाने के बजाय सिर्फ दुआ करे तो अब आप बताइए क्या वो कामयाब हो जाएगा नहीं होगा ना क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है सरा कबूत की आखिरी आयत हम उन लोगों के रास्ते खोलते हैं उन लोगों को कामयाब बनाते हैं जो खुद कोशिश करते हैं एक बंदा क्योटू में आने की कोशिश कर ही नहीं रहा तकाफुल है यानी इग्नोरेंस है उसको परवाही को कोई नहीं है वो जितना मर्जी दुआ करता रहे ना उससे काफर आगे निकल जाएंगे जो कलमा भी नहीं पढ़ते जी देखे ना टाइम पे पेटू में अगर आपके कान से पकड़ लिया जाए ना तो फिर इसका मतलब बाद में कान नहीं पकड़ने पड़ेंगे तो ये चीजें हैं असल में करने वाली मैं आपको एक पते की बात बता दूं मैं जहां जहां पढ़ाता हूं यानी मुख्तु यूनिवर्सिटीज में मे मेरे लेक्चर्स होते हैं मैंने अलमारिफा वालों को भी ये बात कही थी कि ये वाली ट्रेनिंग ना ग्रेजुएट्स को देने के बजाय फर्स्ट सेमेस्टर के लोगों को दें क्या ख्याल है आपका ठीक है ना इस वक्त आप लोग जो इत, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और ग्रेजुएट्स हैं इस यूनिवर्सिटी के और आज पता चला कि टोटल वन के लोग हैं सिवाय दो के यानी कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले लोग पढ़ने के बाद भी नाकामी की जिंदगी गुजार रहे हैं या अल्लाह तो फिर आप जितनी मर्जी ट्रेनिंग्स करवा लेना मुझे सर कह रहे थे कि आप इसके बाद वो तहक़ीक और रिसर्च के ऊपर बात करें तो हालांकि मैंने उसके ऊपर दो लेक्चर्स बना के अपलोड किए हूँ मैं मैं तमाम सेमेस्टर्स में देता हूँ स्टूडेंट्स को लेकिन क्या फ़ायदा उसका मैं आपको एक बात बताऊँ थोड़ी खुल के बताता हूँ क्योंकि आप सब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मैंने तकरीबन आज से कोई दो साल पहले शायद वो लेक्चर्स रिकॉर्ड करवा के तो अपलोड किए और तमाम सेमेस्टर्स में मैं वो आपको देता रहा लेकिन पता है कितना फॉलोअप फा, है या कितना इसका रिजल्ट है सिर्फ और सिर्फ फाइव परसेंट नाइनटी फाइव परसेंट स्टूडेंट्स चिल्लू के चिल्लू क्या फायदा ऐसी रिसर्च का जो क्वालिटी पे नहीं है क्या फायदा ऐसी रिसर्च का जो टाइम पे नहीं है चिल्लू के चिल्लू है ये वाला सेटअप जो है ना यहाँ पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े इदारे हैं एक दो ट्रेनिंग पे गया तो वो उन्होंने भी जो है ना ग्रेजुएट्स के लिए रखी हुई थी ये ट्रेनिंग मैंने उनसे कहा ग्रेजुएट्स के नहीं है ये तो क्लास वन के स्टूडेंट्स है ना जो यूनिवर्सिटी का जो क्लासर वाला फर्स्टर उसके उसके लोगों की ट्रेनिंग है ये कल परसों में एक वाक्य पढ़ रहा था महादेफीन के जमाने का इमाम खतीबादी रमत के पास एक बंदा आया और आके कहने लगा के सर मैंने अपने बच्चे की तालीम और तरबियत का कोई सिलसिला करना है तो आप मशवरा दें कि कब करूं? तो उन्होंने फरमाया कि क्या उम्र है बच्चे की तो उसने कहा कि सात महीने पता है क्या उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा अखर तक कसर तो बहुत लेट हो गया है बच्चों की तरबियत उसने कहा फिर कब करनी है उन्होंने कहा ये तो मंगनी के टाइम करनी थी जब तुम्हारी मंगनी होनी थी ना तब क्योंकि जैसी आपकी वाइफ होती है वैसे बच्चे होते हैं तो हमारे यहाँ तो मोहब्बत प्यार में शादी हो जाता है हो जाती है और पहले जो मोहब्बत ठाठे मारती है वो बाद में फिर ठाठा मारती है क्यू वन में शादी क्यों वन में हालात तो क्यू वन के बच्चे पूरा घर क्यू वन में फंसा हुआ है तो इस कैफियत में आप देखें ना हमारे यहाँ तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है ना और उम्मीद थोड़ी सी बनती है हमें जाके आ, इस्लामिक आ, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे या इस तरह की बड़ी यूनिवर्सिटी से नहीं वहाँ के अलावा आप देख लें तो इसलिए इन चीज़ों को ज़रा टाइम दें और देखें कि करना क्या है टाइम यानि काम कैसे करना है अच्छा अब अगर आप आए बकोल इकबाल और रमतल आ ग्रा समझता है हजार क्यू वन से देता है आदमी को नजात असल तो यही है ना वो एक सजीदा जिसे तो गा समझता है हजार सईदों से देता है आदमी को नजात असल चीज़ ये है कि आप क्यू टू के बंदे बने इसीलिए हम कहते हैं ना क्यू टू के लोग क्यूट होते हैं हमेशा काम थोड़े करें पर्पज फुल करें मीनिंग फुल करें टाइम पे करें पूरी तैयारी के साथ करें और उसके लिए फिर आ, क्या तरीका हो सकता है कि बंदा Q1 में न फंसे और Q2 में आ, Q2 में आ, रहे इसका जवाब जो है ना वो इसके बाद की स्लाइड्स पे है, लेकिन चूंकि टाइम हुआ जा रहा है तो इसलिए इन उसको हम एक लेक्चर बाद में रखते हैं मैं यूनिवर्सिटी से इजाज़त ले लूंगा कि एक लेक्चर बाद में इसका किया जाए ताकि ये कंप्लीट हो जाए क्योंकि बात अभी आज पूरी नहीं हुई तो अगर आप इनशाला आइंदा इस बात का ख्याल रखें और जाते जाते ये बात बता दीजिएगा कि जब भी आपने कहीं कमेंट किया हुआ है कमेंटमेंट की हुई है कि मैंने इतने बजे ये काम करना है उस टाइम पे आना ये Q1 वन है या ट्यू टू है वन है और ये क्या है नाकाम या कामयाब नाकाम तो आज से ये सबक पक्का याद रखें या तो कमिटमेंट करें ही ना या कमिटमेंट करनी है तो वो काम फिर वन में ना करें टू में करें मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बात कह रहा हूँ मैंने मसलन सफ़र करना होता है ना हफ्ते में दो दो एक दो दिन मैंने जहाँ पहुँचना होता है मसलन मेरा वो ट्रेनिंग के लिए सफ़र होता है हफ्ते में दो तीन दिन मसलन मैंने फ़र्ज़ करें दो बजे मेरी क्लास होती है दो से चार मैं वहां उस जगह के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से एक बज के तीस मिनट तक पहुंचा हुआ था और मैं मेरे घर से लेके अगर वहां तक दो घंटे की ड्राइव है तो मैं तीन घंटे पहले घर से निकलता हूं ताकि ड्राइविंग भी क्यों में करूं क्योंकि अगर आप लेट निकलते तो भागते हैं ना गाड़ी भगाते हैं और गाड़ी का भी मसला आप खुद भी स्ट्रेस में रहते हैं और आपके दाएं बाएं जितने लोग चल रहे होते हैं गाड़ियां चला रहे होते हैं सबको आप हारन देते हैं और ओवरटेक करते हैं और उनको भी तंग खुद भी तंग गाड़ी भी तंग और आगे जाके आप कैसे बनाएंगे उलझा हुआ बंदा सुलझा हुआ काम कैसे करेगा आगे जाके आप स्लोली जाए आराम से अपना काम करते हुए गाड़ी में कोई कोई ऑडियो ऑडियो लगा ले कोई अपना पढ़ ले बहुत सारे काम आप चलते फिरते कर सकते हैं तो हमारे यहां चुके जल्दी में निकलते हैं जल्दी में भागते हैं जल्दी में काम करते हैं और पहले क्या कर रहे थे अभी इतनी जल्दी किस तरह की है तो पहले क्या कर रहे थे इसी के ऊपर हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा कि असल में हम पढ़े रहते हैं क्यू थ्री और क्यू फोर में कामयाब लोग टू में होते हैं नाकाम लोग बन में होते हैं तो रीजन क्या है नाकाम होने की रीजन क्या है क्यू थ्री और क्यू फोर आखिर ऐसे कौन से क्यू थ्री और क्यू फोर थे नॉट इम्पोर्टेंट काम जिनकी वजह से आप लेट हो रहे हैं उसके ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे बहुत बहुत शुक्रिया खैरा फीकुम السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسؤال سؤال الله أكبر كبير. जी 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 जिनके हाँ नमाज का टाइम है वो जा सकते हैं